सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। योगिनी एकादशी व्रत साल 2021 में कब और किस दिन है, आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको योगिनी एकादशी व्रत पारण का समय भी बताऊंगा कि किस समय आप व्रत रख सकते हैं और किस समय आपने अपने व्रत को खोलना है। ये सारी जानकारी आज के एपिसोड में मैं आप सभी भक्तों को दूंगा। एपिसोड को शुरू करने से पहले हाथ जोड़ करके विष्णु नारायण भगवान को नमस्कार करेंगे। ओम विष्णु नारायणाय नमः। प्रिय बंधुजनों, पंडित नितिन शास्त्री आज मैं आपको बता रहा हूँ कि साल 2021 में योगिनी एकादशी का व्रत कब है। साथियों, यूं तो साल में बहुत सी एकादशियां तिथि होती है, लेकिन उन सभी एकादशियों में से योगिनी एकादशी का महत्व कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, क्योंकि योगिनी एकादशी का व्रत करने से आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है। आप अगर विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, अगर आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो योगिनी एकादशी के दिन जरूर से जरूर आपको उनका व्रत, उनकी पूजा करनी चाहिए। एकादशी का जो दिन होता है वह विशेष रूप से विष्णु भगवान के निमित्त होता है। इस दिन जो भी मनुष्य सच्चे मन से विष्णु भगवान की पूजा करता है उसके सारे कार्य बनते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि साल 2021 में योगिनी एकादशी का व्रत कब और किस दिन पड़ रहा है। प्रिय साथियों, सोमवार 5 जुलाई 2021 को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। डेट एक बार फिर मैं बता देता हूं, सोमवार 5 जुलाई 2021 के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत खोलने का समय क्या होगा अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस व्रत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान करने के बाद, शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद अपने हाथ में जल फूल लेकर के विष्णु भगवान के व्रत का संकल्प करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे देवाधिदेव, हे पीत वस्त्र, हे विष्णु भगवान, आज योगिनी एकादशी के दिन मैं आपकी पूजा और व्रत का संकल्प ले रहा हूं, इसको आप स्वीकार करें और मेरे मन की जो भी मनोकामनाएं हैं उनको आप पूर्ण करें। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान के व्रत का संकल्प लें। उसके बाद विधिवत रूप से आपने विष्णु भगवान की पूजा करनी है। पूजा में आपने जो जो सामान आप चढ़ाना चाहते हैं, फूल, चावल, दुर्वा, मीठा इत्यादि, ये सभी चीजें विष्णु भगवान को चढ़ाएं, जिससे उनकी प्रसन्नता की प्राप्ति आपको होती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि योगिनी एकादशी व्रत 2021 के व्रत खोलने का क्या समय होगा। प्रिय बंधुजनों, योगिनी एकादशी का व्रत आप 6 जुलाई को सुबह 5:28 से और 8:15 तक खोल सकते हैं। पर फिर बता देता हूं, व्रत पारण का समय 6 जुलाई को सुबह 5:28 से और 8:15 तक रहेगा। इस समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने के लिए आपने सबसे पहले विष्णु भगवान की पूजा करनी है, उनकी आरती करनी है, उनको धूप बाती दिखानी है। उसके बाद आपने विधिवत रूप से उनकी पूजा करने के बाद आपने सूर्य भगवान को अर्घ देना है। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं एपिसोड आपको पसंद आएगा, इसे शेयर और लाइक जरूर करना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय माता की।